दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको Google Pay के द्वारा लॉन्च किया गया Go India ऑफर के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर यह Go India ऑफर क्या है और इसमें पार्टिसिपेट करके आप कैशबैक कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों Google Pay हर दिन कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आता रहता है और साल में एक या दो ऐसे ऑफर भी होते हैं जिसके जरिए आप बहुत ज़्यादा कैशबैक कमा सकते हैं, और ऐसा ही एक ऑफर Google Pay ने लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप भी इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको इस गूगल पे ऑफर के जरिए कैशबैक कैसे मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि गूगल पे गो इंडिया ऑफर क्या है। दोस्तों बाकी ऑफर्स की तरह यह भी एक प्रकार का ऑफर ही है, लेकिन यह ऑफर उन सभी ऑफर्स से थोड़ा अलग है। यह एक प्रकार का गेम है जिसको आपको खेलना है, और गेम पूरा होने के बाद आपको कुछ कैशबैक मिलेगा। आपको मिनिमम 101 रुपए मिलेंगे और मैक्सिमम 501 रुपए तक मिलेंगे। तो अगर आप भी इस गूगल पे गो इंडिया ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल पे गो इंडिया ऑफर का पूरा लाभ कैसे उठाएं और इससे कैशबैक कैसे पाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल पे गो इंडिया ऑफर कैसे काम करता है और आप इससे कैशबैक कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार का गेम ही है जिसमें भारत के अलग अलग सिटी को विजिट करने के लिए आपको टिकट और किलोमीटर्स की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में आपको 2 टिकट और 3000 किलोमीटर दिए जाएंगे। इसके जरिए आप 3-4 सिटी को विजिट कर सकते हैं, और सारे सिटी को विजिट करने के लिए आपको टिकट और किलोमीटर कलेक्ट करने होंगे। दोस्तों इस ऑफर को पूरा करने के लिए टिकट कैसे कलेक्ट करना है और यह ऑफर कब तक चलने वाला है, यह सब जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों जब आप भारत के सभी सिटी को विजिट कर लेंगे तो आपको एक कैशबैक मिलेगा जिसमें आपको 101 रुपए से लेकर 501 रुपए तक मिलेंगे। तो कुछ इस तरह गूगल पे गो इंडिया ऑफर काम करता है। तो चलिए अभी इस ऑफर का लाभ कैसे उठाएं, अब हम इसके बारे में पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा और कैसे इस ऑफर में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो दोस्तों गूगल पे गो इंडिया ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपके पास गूगल पे अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि आपके फ़ोन में गूगल पे ऐप इंस्टॉल होना चाहिए और उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपने अभी तक गूगल पे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल पे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। एक्स्ट्रा कैशबैक पाने के लिए स्क्रीन पर दिया हुआ प्रोमो कोड जरूर डालिएगा, और प्रोमो कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिर आपको गूगल पे ऐप के होम पेज पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा और नीचे आपको गो इंडिया का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो चिंता ना करें, कुछ ही दिनों में आपके गूगल पे अकाउंट में यह ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। यह ऑप्शन आपको ऑफर और कैशबैक रिवॉर्ड के बगल में मिल जाएगा। जैसे ही आप गो इंडिया वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक नई स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको एंटर गेम पर क्लिक करना है। अगर आपको कमिंग सून लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो चिंता ना करें, कुछ दिनों में आपके अकाउंट में यह ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। फिर आपको स्टार्ट प्ले पर क्लिक करना है। इस स्क्रीन में आपको इस गेम का पूरा प्रोसेस दिखाई दे जाएगा कि आपको गेम कैसे खेलना है और कैशबैक कैसे पाना है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आप स्टार्ट प्ले पर क्लिक करेंगे तो आपको इंडिया का मैप भी दिखाई दे जाएगा जिसमें से आपको किसी एक सिटी को सिलेक्ट करना है। आपको किन्हीं 2 सिटियों के 2 टिकट्स दिए जाएंगे, उन पर आपको क्लिक करना है और फिर लेट्स गो बटन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद वाली स्क्रीन में आपको एक फ्लाइंग इमेज दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस फ्लाइंग इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 टिकट मिलेंगे और साथ में आपको 3000 किलोमीटर भी मिलेंगे। फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जब आप दूसरे सिटी को विजिट करते हैं तो आपका एक टिकट खर्च हो जाता है और साथ में कुछ किलोमीटर भी खर्च हो जाते हैं। फिर उसके बाद वाली स्क्रीन में आप जिस भी सिटी को विजिट करना चाहते हैं उस सिटी के नीचे गो बटन होगा, उस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने जो भी सिटी सिलेक्ट किया होगा उस सिटी से अभी आपने जो सिटी को सिलेक्ट किया है उन दोनों सिटीज के बीच में जो अंतर होगा उतने किलोमीटर आपके पॉइंट्स में से कट हो जाएंगे। अभी तक आपने केवल 2 सिटी को विजिट किया है और इसी तरह आपको भारत के सभी प्रदेशों को विजिट करना है, और जैसे जैसे आप अलग अलग सिटी को विजिट करते चले जाएंगे आपको गूगल पे की तरफ से रिवॉर्ड्स भी मिलते चले जाएंगे, और इन रिवॉर्ड्स का उपयोग आप इस गेम में भी कर सकते हैं।
शुरुआत में आपको दो टिकट और 3000 किलोमीटर दिए जाएंगे, पर इतने किलोमीटर में आप पूरे इंडिया के अलग अलग प्रदेशों को विजिट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा किलोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा किलोमीटर लेने के लिए आप गूगल पे के जरिए मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज आदि कर सकते हैं, या फिर किसी मर्चेंट को भी पे कर सकते हैं। और जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे या फिर रिचार्ज करेंगे तो आपको कुछ किलोमीटर दिए जाएंगे, जिनका उपयोग करके आप अलग अलग सिटी को विजिट कर पाएंगे, और साथ ही में आपको टिकट भी दिए जाएंगे। और ठीक इसी तरह आपको टिकट और किलोमीटर कलेक्ट करने होंगे और भारत के सभी प्रदेशों को विजिट करना होगा। आप यह मत समझना कि आपको भारत के सभी शहर को विजिट करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मान लो आपने मुंबई को विजिट किया तो पूरा महाराष्ट्र भी विजिट हो जाएगा। फिर अगर आप मुंबई से अमृतसर विजिट करेंगे तो साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी प्रदेश भी विजिट हो जाएंगे, वो भी अपने आप। बस आपको टिकट और किलोमीटर कलेक्ट करने हैं और उनका इस्तेमाल इस टास्क को पूरा करने के लिए करना है। जैसे ही आप भारत के सभी प्रदेशों को विजिट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा, और उस स्क्रैच कार्ड में आपको मिनिमम 101 रुपए से लेकर 501 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको इस टास्क को 25 नवंबर से पहले ही पूरा करना होगा, क्योंकि यह ऑफर 25 नवंबर तक ही सीमित है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस ऑफर को कंप्लीट करने के लिए टिकट और किलोमीटर कहां से कलेक्ट करें। इस गूगल पे इंडिया ऑफर को पूरा करने के लिए आपको टिकट और किलोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बिना आप इस ऑफर का फायदा नहीं उठा पाएंगे और इस टास्क को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। तो बात आती है कि गूगल पे इंडिया ऑफर के लिए टिकट और किलोमीटर कहां से कलेक्ट करें। दोस्तों, इसके लिए आप गूगल पे के जरिए मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर आप किसी मर्चेंट को भी पे कर सकते हैं। और इसमें टिकट और किलोमीटर कलेक्ट करने का एक और तरीका है, अगर आपके पास एक टिकट है तो आप उसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और जब आपका मित्र उस लिंक पर क्लिक करके उस टिकट को कलेक्ट करेगा तो उसको भी एक टिकट मिलेगा और आपको भी एक टिकट मिलेगा। और जब आप अलग अलग सिटी को विजिट करेंगे तो आपको कुछ कूपन्स भी दिए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल आप शॉपिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी तक आपने कितने सिटीज को विजिट किया है, तो सबसे पहले आपको गो इंडिया ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद वाली स्क्रीन में आपको ऊपर योर मैप का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और ठीक उसके ऊपर आपको किलोमीटर और टिकट्स भी दिखाई देंगे कि कितने किलोमीटर और टिकट्स बचे हुए हैं। जैसे ही आप योर मैप वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको इंडिया का मैप दिखाई दे जाएगा, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने अभी तक कितने सिटी को विजिट किया है और कितने बाकी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लगभग पूरा ही साउथ इंडिया को विजिट कर लिया है, और अभी पूरा भारत विजिट करना बाकी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप गूगल पे को इंडिया ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और कैशबैक भी पा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह गूगल पे को इंडिया ऑफर क्या है और इस ऑफर से कैशबैक कैसे मिल सकता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को अभी भी समझने में थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही होगी, पर जैसे जैसे आप यह करते चले जाएंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस ऑफर का लाभ उठा सकें, और आपके पास जो टिकट है उसे भी आप अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वह भी एक टिकट पा सकें और आपको भी एक टिकट मिल सके, जिससे आप दोनों को ही फायदा होगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।